Good morning, class 8 students. In this class, we will start a new chapter, chapter number 4, Understanding Laws. So before starting this chapter, we have to discuss an example which has been listed in your book. So इस example में government official हैं, उनके बेटे कानून को तोड़ते हैं, but जो official है, government official अपने power का, अपने पैसे का फ़ायदा उठा के अपने बेटे को छिपा लेते हैं. तो ये क्या है? ये एक violation of law है. उन्होंने एक तरीके से कानून को तोड़ा है, क्योंकि जब उन्हें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सॉरी जज ने पनिशमेंट दे दी है, तो वो उन्हें कोई हक नहीं है कि अपने बेटे को छुपाएं या फिर बचाएं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वॉयलेशन ऑफ लॉ हो रहा है. पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो मनमाना तरीका है वो बिल्कुल जायज़ नहीं कहलाया जा सकता, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? रूल ऑफ लॉ है. नाउ व्हाट डू मीन बाय रूल ऑफ लॉ? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुड एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ. ऑब्वियसली इन रूल ऑफ लॉ मीन्स ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ. सभी इंसान, सभी लोग, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कास्ट से या फिर जेंडर या फिर जो भी आधार पर, जो भी बेस हो हमारा, सभी लोग, ऑल द मेन्स एंड वुमेन्स, ऑल द पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ. लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन. जो कानून है, मूवीज़ में हम लोग देखते हैं, या फिर अगर कोर्ट से, मतलब कोर्ट में आपका तो सामना नहीं हुआ होगा कोर्ट से, कोर्ट अगर कोई जाते हो तो देखते हो, एक कानून की देवी होती है जो ऐसा तराजू होता है और उनकी आँखों पर काली पट्टी बंधी होती है. काली पट्टी इन द सेंस कि वो देख नहीं सकती है. अब क्या देख नहीं सकती है? वो ये नहीं देख सकती या फिर नहीं देखना चाहती कि आगे मेरे सामने कोई अमीर है चाहे गरीब है. मैं एकदम निष्पक्ष होकर किसी का भी फेवर न लेते हुए फैसला करूंगी. ये होता है आंख पे पट्टी लगाना. इसका ये मतलब नहीं कुछ भी फैसला सुना दूंगी, अंधी है, जो भी है, अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ नहीं करना है. यहाँ पर ये माना गया है कि किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन वो नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने अपने आँखों को बंद कर लिया है इस डिस्क्रिमिनेशन के लिए. सो नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. कि अगर कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, तो हमने क्रिश्चियन के फेवर में सुना दिया, हिंदू के फेवर में नहीं सुनाया, तो ये बात नहीं है. डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर एक्सेट्रा ऑल्सो. ना रूल ऑफ लॉ होता क्या है? ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. नो वन कैन अबव द लॉ. कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी को ऊपर नहीं मान रहे, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होने ही नहीं देंगे. अब ये बात आती है कि रूल ऑफ लॉ क्या आज से है? कोलो अगर हम पहले के ज़माने की बात करें, तो पहले भी रूल ऑफ लॉ था, या फिर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम पर किस तरह के लॉ को प्रेफरेंस दी जाती थी? दैट वी विल डिस्कस. नाउ हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या जो लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, वो पहले से था या फिर वो अभी आया है. अभी आया है तो क्यों आया है? तो जब हम पहले के ज़माने की बात करें, तो पहले के ज़माने में बहुत सारे लॉज हुआ करते थे. और पहले के ज़माने में ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा. अगर कोई क्राइम है, दो लोगों के द्वारा किया गया है, तो उनकी जो पनिशमेंट है ना, वो भी डिफरेंट होती थी. किस बेस पे? कास्ट के बेस पे. अपर क्लास वाले लोगों को, अपर कास्ट वाले लोगों को या तो पनिशमेंट दी ही नहीं जाती थी, या छोटी सी मामूली सी पनिशमेंट दी जाती थी. वहीं लोअर क्रेटा के लोगों को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दी जाती थी, सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी. जबकि सेम क्राइम है दोनों का, पर यहाँ पर पनिशमेंट क्या है? डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. नाउ ये जो चेंजेस हैं, धीरे धीरे देखने को आते हैं, कि ऐसा नहीं है रूल ऑफ लॉ तुरंत ही एक दिन में लागू हो गया. द चेंजेस वी हैव सीन इज स्लोली, दिस स्लोली बिगिन टू चेंज एज दिस सिस्टम ऑफ लॉ बिगिन टू फर्दर इवॉल्व ड्यूरिंग द कोलोनियल पीरियड. जैसे ही ब्रिटिशर्स का टाइम आता है, अब हम देखेंगे ब्रिटिशर्स के टाइम पर क्या क्या चेंजेस आते हैं. इट इज़ ऑफन बिलीव दैट इट वॉज द ब्रिटिश कोलोनिज्म हु इंट्रोड्यूस रूल ऑफ लॉ इंडिया. सो जो हम कहेंगे जो कंट्रीब्यूशन है, या फिर जो हम श्रेय दे देते हैं, वो दे देते हैं ब्रिटिशर्स को फॉर रूल ऑफ लॉ. हिस्टोरियंस इस तरीके से, हिस्टोरियंस जो है, दो मत है उनके इस बात पे. फर्स्ट है, जो ब्रिटिशर्स ने रूल बनाए हैं, लॉ बनाए हैं, वो आर्बिट्री हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनका फेवर करते हैं, ब्रिटिशर्स के फेवर में एक तरफा हैं. मान लिया, एग्जांपल दे देते हैं, वो इस तरीके के कानून बनाते थे जिससे उन्हीं का खुद का ही फ़ायदा होता था. हमारा ज़्यादा फ़ायदा हो ना हो, उनका ज़रूर फ़ायदा होता था. जो कि है एक सेडिशन एक्ट 1870. सेडिशन एक्ट के अंदर अगर हम देखेंगे,
कि कोई भी पर्सन इफ ही और शी इज़ प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल. मतलब आप अगर ब्रिटिश कॉलोनियल हो, ब्रिटिश रूल के खिलाफ आप कुछ लिखते हो, आप बोलते हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो आपको जेल भेज दिया जाएगा. तो ये क्या है? क्या ये इंडियंस के फेवर में था? बिल्कुल नहीं. ये तो एक तरफा आर्बिट्री प्रोसीजर था कि इन सेडिशन एक्ट जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे तो उनको क्या किया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा. तो ये एक तरीके से रूल ऑफ लॉ नहीं था. रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? सब इक्वल है. वहीं दूसरी बात करें हम इंडियन नेशनलिस्ट की, अगर हम बात करें, यहाँ पर एन लगा देते हैं, इंडियन नेशनलिस्ट एक तो पॉइंट है दैट फर्स्ट दैट द कॉलोनियल लॉ वॉज आर्बिट्री, दैट वी हैव डिस्कस इन द सेडिशन एक्ट 1870. नाउ द सेकेंड दैट द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया. अब बात करें यहाँ पर इंडियन नेशनलिस्ट की, जो इंडियन रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडियन रूल ऑफ लॉ के लिए. पहली बात, हमने ब्रिटिशर्स को सारा का सारा कॉन्ट्रीब्यूशन या सारा का सारा श्रेय दे दिया कि आप रूल ऑफ लॉ लेके आए. पर रूल ऑफ लॉ वो दो तरीके से लेके आए थे, एक तो आर्बिट्री मतलब अपने ही फेवर वाला, और दूसरा है इंडियन नेशनलिस्ट का भी रोल था किसमें, रूल ऑफ लॉ को लाने में. Now Indian nationalists begin to protesting and criticizing this arbitrary use of authority of British. बिल्कुल, जो सेडिशन एक्ट है उसका हम लोगों ने खूब विरोध किया कि ये क्या बात होती, आप अगर कुछ अच्छा काम करेंगे या फिर नहीं करेंगे तो भी उसका प्रोटेस्ट ना किया जाए. They also begin fighting for greater equality and wanted to change the idea of law from a set of rules that they were forced to obey to law as including ideas of justice. So उनके according, ब्रिटिशर्स के according जो भी justice है, मतलब उनके खिलाफ कुछ ना बोला जाए या फिर उनके खिलाफ newspapers में ना छापा जाए, इसका बहुत ही ज़्यादा criticization हुआ. जो Indians हैं वो चाहते थे equality के साथ, हमें ज़बरदस्ती ब्रिटिशर्स की बात क्यों माननी पड़े, वो सारी चीज़ें ना मानते हुए हम लोग क्या चाह रहे हैं, रूल ऑफ लॉ चाह रहे हैं इन द फेवर ऑफ अस. By the end of 19th century, the Indian legal profession also began emerging and demanded the respect in colonial courts. अब हमारी तो मतलब इस टाइम पर इंडियंस की तो इतनी रेस्पेक्ट थी नहीं, जो बड़े बड़े पोजिशंस थी उस पर ब्रिटिशर्स बैठे हुए थे. तो अब बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी जो लीगल प्रोफेशंस हैं, मतलब जो हम इंडिया में लीगली ज़्यादा काम जानते हैं, उन लोगों ने क्या किया, एक तरीके से अपना उत्थान करवाया और डिमांड कि हमें भी रेस्पेक्ट चाहिए कॉलोनियल रूल के अंदर. मतलब ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश रूल के अंदर हमारा भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. हमारे लोगों का क्या, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच रहे थे. दे बिगन टू यूज़ लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियन. उन्होंने उस टाइम पे लॉज को इंडियंस के बचाव के लिए यूज़ में करना शुरू कर दिया. इंडियन जजेस ऑल्सो बिगन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजंस. Therefore, there were several ways in which Indians played a major role in the evolution of the rule of law during the colonial period. तो ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल भी contribution नहीं दिया. Indian nationalist का भी पूरा का पूरा role था. उन्होंने अपने लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी और उस time पर बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जो कि Indians के लिए beneficial हों. तो बिल्कुल भी पूरी तरह हमने ब्रिटिशर्स पर नहीं छोड़ा है रूल ऑफ लॉ लाने के लिए. हम contribution उनको दे तो देते हैं, पर हमारा भी contribution बहुत ज़्यादा important है, क्योंकि ये लोगों का मतलब ब्रिटिशर्स का जो फैसला होता था एक तरफा होता था, और हमारे फैसले क्या होते थे, हमारे जो फैसले होते थे वो हम पर भी ध्यान में रखकर लिए जाते थे. अब बात करें कि इंडियन नेशनलिस्ट का कंट्रीब्यूशन है. इंडियन नेशनलिस्ट के कंट्रीब्यूशन में सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनता है तो उसमें रूल ऑफ लॉ को एनलिस्टेड किया जाता है, जिसका मतलब सभी लोग बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है. आंख में पट्टी वाला एग्जांपल तो मैंने दे ही दिया है. With the adoption of constitution, this document served as the foundation of which a representative begins to making the law of country. बिल्कुल एक बेस मिल गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमको, जिसके अकॉर्डिंग वी हैव टू मेक द लॉज इन विच एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ. Every year a representative passed several new laws as well as amend existing ones. अब ज़रूरी नहीं है कि जो पुराने लॉज बन गए वो आज के ज़माने के टाइम पर भी परफेक्ट बैठेंगे. अब पुराने ज़माने में उस टाइम के अकॉर्डिंग कुछ अलग लॉज होते थे, इस टाइम के अकॉर्डिंग हमें लॉज में मॉडिफिकेशंस तो चाहिए ना, तो वो मॉडिफिकेशंस चलते रहते हैं. मतलब अभी भी न्यू अमेंडमेंट्स, जो संविधान है उसमें संशोधन हो रहा है, मीन्स उसमें चेंजेस लाए जा रहे हैं अभी तक भी.
नाउ एक यहाँ पर एक एक्ट है इन योर क्लास सिक्स की बुक में, आपने हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 देखा था, जिसमें दिस इज़ द न्यू लॉ, सन्स डॉटर एंड देयर मदर्स कैन गेट इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी. सिमिलरली न्यू लॉज हैव बीन इनएक्टेड टू कंट्रोल पॉपुलेशन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. जो पहले लॉ था उसमें जो बेटी हैं उनको जो फादर की प्रॉपर्टी है उनमें कोई हक नहीं मिलता था, पर हम लोगों ने क्या किया, एक सेडिशन एक्ट 2005 आया जिसमें सन मदर एंड डॉटर तीनों को प्रॉपर्टी में इक्वल इक्वल वेजेस मिलेंगे. तो क्या हो गया, हम लोगों ने सुधार किए. तो पहले के जो लॉ बन चुके हैं वो उस ज़माने के अकॉर्डिंग सही थे, आज के लॉ जो लॉज हैं उनका जो पुराने लॉज थे वो कहीं ना कहीं परफेक्ट नहीं बैठते, तो हम क्या करते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं. नाउ हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड पर्पज दैट न्यू लॉज इज़ नेसेसरी. हमें कैसे पता चला कि आज के ज़माने के हिसाब से वो लॉ सही नहीं है, क्यों हमें चेंजेस चाहिए, उस लॉ को चेंज करना चाहिए या फिर और नए नए लॉज लाने चाहिए. यू विल रीड, हम लोग इस टॉपिक को नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, दैट इज़ हाउ डू न्यू लॉज केम अबाउट. सो अब इस पॉइंट में हम लोगों ने देखा, सबसे पहले रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है. रूल ऑफ लॉ मीन्स एवरीबॉडी इज़ इक्वल बिफोर द लॉ. कानून की देवी अंदर अंधी हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता किसके पास पैसा है किसके पास नहीं है, कुछ नहीं, वो दोनों के लिए बराबर फैसला लेंगे. ऐसा नहीं है कि पहले पनिशमेंट डिफरेंट होती थी कास्ट के बेस पे, कि अपर कास्ट को पनिशमेंट नहीं मिल रही है, लोअर कास्ट के लोगों को बहुत ही बुरी पनिशमेंट मिल रही है, ये सब नहीं था. हम लोगों ने हिस्ट्री भी देख ली कि किस तरीके से हम लोग आज के लॉ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनलिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये पूरी की पूरी चीज़ें झेल चुके हैं. Now our next topic, how do new laws came about, that we will discuss in the next class.